तो मॉडर्न साइंस के इस एज में इस भाग्यकिस्मत के खेल को या इस गुत्थी को सुलझा लेना ही अच्छा है। दोस्तों, मैं ऐसा समझता हूँ कि भाग्यकिस्मत जैसी चीज़ों में विश्वास या अंधविश्वास हमारे विकास में बहुत बड़ी रुकावट डालती है, क्योंकि यह हमें एक जागरूक, जुझारू और कर्मठ इंसान बनने से रोकती है। भाग्यकिस्मत में विश्वास करने वाला आदमी बहुत जल्द हिम्मत हार कर दुख, गरीबी और परेशानी में जीना स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह मान लेता है कि उसके भाग में नौकरी, पैसा और सुख शांति जैसी चीज़ें लिखा ही नहीं है। और दोस्तों, मुश्किल तो यह है कि एक गरीब और साधारण आदमी जिसको मेहनत करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वह यह सोचकर बहुत जल्द संतुष्ट और शांत हो जाता है कि जब पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े अमीर और स्टेटस वाले लोग भाग्यकिस्मत को मानते हैं, तो फिर उसके जैसा एक मामूली आदमी इसको क्यों ना माने। उसकी क्या हैसियत और औकात कि वह भगवान के बनाए गए इस विधान को न स्वीकार करे। और इस तरह से गरीब आदमी बहुत ही आसानी से दुख और गरीबी के सामने हिम्मत हार कर अपने हाथ खड़े कर देता है। दोस्तों, अगर कोरोना की बीमारी नहीं होती तो मैं आपको सामने में बैठा कर यह पूछता कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान आपके भाग में गरीबी और दुख तकलीफ लिखा है। इस बारे में आप जितनी भी गहराई से सोच सकते हैं सोच कर बताइए, और फिलहाल आप इस बारे में कॉमेंट बॉक्स में ही ज़रूर बताइए। और दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे वो कितना भी महान और स्टेटस वाला क्यों न हो, और वो भाग्यकिस्मत को मानने के लिए आपके सामने कितना भी बड़ा से बड़ा तर्क क्यों न देता हो, ऐसे महान लोगों की बातों को कुछ समय के लिए आप साइड में कर दीजिए और मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए और सही लगे तो उसे स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि आप भाग्यकिस्मत जैसी चीज़ों को तब तक मत स्वीकार कीजिए जब तक कि खुद भगवान आपके सामने आकर यह न बोले कि हाँ, मैंने तुम्हारे भाग में दुख और गरीबी लिखी है, अब तुमको जो भी करना है कर लो, लेकिन तुम्हारा दुख और गरीबी तब तक दूर नहीं होने वाला जब तक कि मैं खुद तुम्हारे भाग को न बदलूं। और हाँ दोस्तों, जब भगवान आपके सामने आकर यह बात बोलें, तब आप उनका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके यूट्यूब पर डाल देना, ताकि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग भगवान और उसके बनाए गए इस विधान को या इस सिस्टम को स्वीकार कर ले। मॉडर्न साइंस का एज है दोस्तों, तो भगवान को हमारे सामने आकर इस बात का सबूत देना ही चाहिए।